अपने माँ बाप से कहते थे कि जब भी जाओ बेटा पूछ के काम करो, पूछ के काम करने का फायदा ये होता है। वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। आज हम लोग हैं पहलगाम में। इतना बढ़िया बैकग्राउंड आपको दिख ही रहा होगा, इतनी सुंदर जगह है पहलगाम। और मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हम अपने तरीके से एक्सप्लोर करें, ना कि जो एक सेट तरीका होता है कि आप यहाँ पे आएंगे टैक्सी से, आपकी टैक्सी को स्टैंड में खड़ा किया जाएगा और घोड़े वाले आप पे टूट पड़ेंगे कि भैया घोड़ा ले लो, घोड़ा ले लो, 2,000 रुपये, 2,500 रुपये, 3,000 रुपये, मिनी स्विट्जरलैंड, ये वैली, वो वैली, इससे अच्छा है सब कुछ तो वैली है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद से एक नॉर्मल पर्सन अगर आए और ये सब ना हो तो कैसे घूमेगा एक जगह को, वैसे एक्सप्लोर करते हैं, ना कि एक सेट पैटर्न से। इतनी बढ़िया रिवर यहाँ फ्लो कर रही है, मैं यही से सोच रहा था कि नीचे उतर के वहाँ पे फ़ोटोज़ लेने लगूँ, लेकिन ये सब जगह पे, वहाँ पे देखो वो लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर में कोशिश करते हैं गमबूट्स लेके, अभी तो गमबूट्स नहीं है, इसके बाद फिर नीचे जाके एक्सप्लोर करेंगे। बाकी सिटी, छोटी सिटी है हमारे राइट साइड में है, यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें हैं देखने लायक, टेंपल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, क्या है, वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। और हाँ, हमारे पीछे बहुत सारे घोड़े वाले पड़े हैं क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रहे कि ये लोग अंदर आके कैसे नहीं घोड़े पे घूम रहे हैं, जबकि सारे के सारे लोग घोड़े पे बैठ के चले गए। तो ठीक है, एक नया तरीके एक्सप्लोर करते हैं। बाकी सारी वैली सब गुलमर्ग में दिखाई दी, अब पहलगाम की बारी है। पहलगाम वैसे तो लोग विंटर्स में कम ही आते हैं क्योंकि समर्स में यहाँ के जो पेड़ों पेड़ की हरियाली है ना, जो पहाड़ इनके पेड़ों से भरे हुए हैं, उनके रहे देखने में ज़्यादा लोग आते हैं। लेकिन सर्दियों में अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, हर जगह स्नो दिख रही है, तो एक बहुत ही स्पेशल जगह है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते होंगे, वो है आइलैंड पार्क। यहाँ देख रहे हैं छोटे छोटे शरब्स और पेड़ हैं, इनमें खूब सारी बर्फ़ जमा हो रखी है। इसकी टिकट सिर्फ 24 रुपये की एडल्ट्स के लिए और किड्स के लिए 12 रुपये की है। हम लोग यहाँ पे जाके अभी खूब सारी फोटोज़ और वीडियोज़ बनाने वाले हैं क्योंकि ये मुझे बहुत ही बढ़िया और खाली जगह लग रही है, क्योंकि जहाँ टैक्सी स्टैंड है वहाँ पे घोड़े वाले भरे पड़े हैं, आप ऊपर जाएंगे तो वहाँ स्लेज वाले पीछे पड़ जाएंगे। तो अगर आपको एक शांत एरिया चाहिए, कम लोगों वाला एक प्राइवेट जगह चाहिए जहाँ पे आप अपना आराम से कंटेंट रिकॉर्ड कर सको या थोड़ा शांति से टाइम स्पेंड कर सको, तो ये जगह मुझे बहुत बढ़िया लगती है। आइए अंदर से देखते हैं कैसी है। देखिए सुंदर नज़ारे यहाँ के, बगल में रिवर है, इतने सारे पेड़ हैं, सब पे बर्फ है। और हम लोग आ गए अंदर, बेंचेस भी है, आप रिलैक्स कर सकते हो बैठ के। बूट्स मैंने ले लिए 100 रुपये में, पूरे दिन के लिए रेंट पे मिल जाते हैं। कोपल बैठी है यहाँ पे रिलैक्सिंग सन में, अच्छी अच्छी हल्की हल्की गर्मी, बहुत बढ़िया जगह है आइलैंड पार्क पहलगाम। सो गाइस, ऐसे घूमते घूमते उन्होंने देखा वहाँ पे पार्क है, ब्रिज है, बहुत सारे फोटोग्राफी स्पॉट्स हैं। यहाँ पे अगर आप गमबूट रेंट पे लोगे तो फ़ायदे पर रहोगे क्योंकि हर जगह बर्फ़ बहुत है। नॉर्मल शूज़ जो हमारे होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं सही से, हमारे पैर धंस जाएगा उसके अंदर फिसलेगा। तो गमबूट ज़रूर लेना जब भी यहाँ पे आओ, 200 रुपये उसका रेंट है। बहुत सारी शॉप्स अभी मैं भी लेके आपको दिखाऊँगा। और चलते चलते मुझे मिला यहाँ पे टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड। तो यहाँ पे टैक्सीज मिलती है आपको लोकल टूरिज्म के लिए, क्योंकि जो गाड़ियाँ कुशीनगर से यहाँ पे लाएगी वो अंदर नहीं घुमाएगी, अंदर घुमाने के लिए अलग से आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो अभी जाके मैं रेट्स वगैरह पता करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या रेट्स हैं।
इंक्वायरी करने का फ़ायदा बचपन में माँ बाप से कहते थे कि जब भी जाओ बेटा पूछ के काम करो। पूछ के काम करने का फ़ायदा ये होता है कि जस्ट अभी मैं यहाँ पे टैक्सी स्टैंड में आया, जो चीज़ घोड़े वाले नहीं घुमा पा रहे थे 2500 रुपये भी, वहाँ पे हम सूमो गाड़ी में 1200 रुपये में जाएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके साथ ही दूसरी चीज़ जो मुझे मालूम चली वो था बूट्स का रेंट, जो कि मुझे बाहर बताया गया 200 रुपीज़, पर यहाँ पर मुझे पता लगा कि 100 रुपीज़ का रेंट है। इवन आप यहाँ से ले लो चाहे पहलगाम से, ऊपर जाके वैली में भी आप ले सकते हो बूट्स, तो इतना प्राइस का डिफरेंस आता है इसमें। एंड गाड़ियों के बहुत सारी रेंज है, आप बड़ी गाड़ी ले सकते हैं, इसमें इनोवा है, टवेरा है, उनके रेट्स ज़्यादा हैं। तो छोटी गाड़ी है वैन, इको, सुमो, उनके रेट्स कम हैं। तो जैसा आपका फैमिली का साइज़ हो, ज़्यादा लोगों कम लोग हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कार बुक कर सकते हो अपनी। ऑल टाइम अवेलेबल है और 2 घंटे लगते हैं। अभी जो फ़िलहाल ओपन है वो आरू वैली हमारा बंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ है वहाँ पे। प्रताप वैली ओपन है एंड चंदनवाड़ी करें हाफ रास्ते तक ओपन है, उसके बाद आप ट्रैकिंग करें या स्लेजिंग करें वो आपके ऊपर है। तो इसका 2 घंटे का ड्यूरेशन बताया गया, तो आपको 2 घंटे निकालने हैं सिर्फ, एंड गाड़ी वाले आपको लेके जाएंगे। आप रास्ते में साइट सीइंग करते हुए, फोटोज़ क्लिक करते हुए, वीडियो बनाते हुए जा सकते हैं और वैलीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था पहलगाम का मेरा डे 1। पहलगाम में घूमने के यूँ तो बहुत से तरीके हैं, आप चाहें तो टैक्सी स्टैंड से टैक्सी ले सकते हैं, या फिर आप घोड़े वालों से बुकिंग लेके 6 से 7 स्टॉप पर जा सकते हैं। वहाँ पर अच्छे अच्छे वैलीज़ के व्यूज़, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से घोड़ों पर घूमना समर्स में ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि विंटर्स में हर जगह बर्फ़ होती है, तो अगर आप गाड़ी से जाएंगे तो आप थोड़ा दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे और आपको और बेटर व्यूज़ मिलेंगे, हाइट से मिलेंगे, जहाँ से आपको रिवर के और माउंटेन्स के बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिलते हैं। पार्ट 2 में अब हम देखेंगे कि आगे टैक्सी में जाके कैसा सफ़र रहा हमारा, और आगे जाके हम देखेंगे बेताब वैली और चंदनवाड़ी, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। कोई भी सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, एंड आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कश्मीर सीरीज़ आपके लिए आगे और चलती रहेगी।